अब हम बात करते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में कौन कौन से कॉम्पोनेंट होते हैं तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो कॉम्पोनेट है जो कॉम्पोनेट हैं डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के दैट इज द डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन जैसा कि आप इस फिगर में देख रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन है जो ट्रांसमिशन लाइन से क्या कर रहा है पावर को ले रहा है फीडर्स कनेक्टेड है सब स्टेशन और डिस्ट्रीब्यूशन एंड के बीच में और इसके बीच में आपका क्या कनेक्टेड है स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर्स कनेक्टेड है स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर्स क्या करते हैं वोल्टेज को रिड्यूस करते हैं वोल्टेज लेवल को रिड्यूस करते हैं देन आपके क्या है सर्विस मेंस कनेक्टेड है डिस्ट्रीब्यूशन एंड से तो वन बाय वन हम समझते हैं कि ये सब चीजें क्या है तो अगर मैं डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन की बात करूं तो डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन क्या है इट इज ट्रांसफर द पावर फ्रॉम ट्रांसमिशन सिस्टम टू द डिस्ट्रीब्यूशन एरियाज राइट एक ऐसा सिस्टम है जो कि पावर को ट्रांसमिट कर रहा है ट्रांसमिशन नेटवर्क से डिस्ट्रीब्यूशन एरिया तक इसके बाद में देखिए क्या कनेक्टेड है फिगर में फीडर्स कनेक्टेड है फीडर्स क्या है फीडर्स एक तरीके का कंडक्टर है राइट right? विच कनेक्ट द डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन एंड टू एरिया वेयर पावर इज टू बी ट्रांसमिटेड अब फीडर में किस सबसे खास बात क्या होती है फीडर में टेपिंग्स नहीं होते हैं टेपिंग्स नहीं होते इसका मतलब क्या होता है कि थ्रू आउट जो पावर uh, होगी इसमें वो इक्वल होगी राइट सो so, यहां पर थ्रू आउट जो करंट लेवल होगा आपका वो थ्रू आउट लेंथ ऑफ द लाइन करंट की वैल्यू क्या होगी सेम होगी क्योंकि इसमें टेपिंग्स नहीं है टेपिंग्स का मतलब क्या हो गया बहुत सारे पॉइंट्स उन कंडक्टर में से हमने निकाल दिया तो जिसको जितनी जरूरत होगी उतना पावर या उतना करंट वो क्या लेता चला जाएगा तो जब आप एंड पॉइंट की बात करोगे तो जो फ्लो ऑफ पावर है एंड पॉइंट पे वो कम हो जाएगा राइट सो टेपिंग्स का मतलब आपको समझ में आया जैसे कि एक, एक पाइप है जिसमें वाटर फ्लो हो रहा है और उसमें से आपने क्या कर दिया बहुत सारे होल्स बना दिए आपने तो जहां से आपका पावर पानी फ्लो हो रहा है आपका और होल्स है तो होल्स में से क्या है पानी निकल रहा है वो तो kind of so, जिसको जितनी ज्यादा जरूरत है या जितनी भी requirement उसके according पावर लेता चला जा रहा है। अब यहां पर नहीं है, तो लाइन जो करंट की वैल्यू होगी वो क्या होगी सेम हो जाएगी राइट right? सो so, जब हम फीडर को डिजाइन करते हैं तो जो सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है डिजाइनिंग का दैट इज द करंट कैरिंग कैपेसिटी

डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर का जो आउटपुट होता है दैट इज 440 फोर्टी वोल्ट फॉर थ्री फेज सिस्टम एंड 230 थर्टी वोल्ट फॉर सिंगल फेज सिस्टम राइट इसके बाद में आप देखिए क्या कनेक्टेड है इसके बाद में आपका लगा हुआ डिस्ट्रीब्यूटर पॉइंट लगा हुआ है राइट right? अब डिस्ट्रीब्यूटर में कई सारे टेपिंग्स होते हैं इन टेपिंग से कंज्यूमर को सप्लाई प्रोवाइड किया जाता है डिस्ट्रीब्यूटर क्या है यह भी एक तरीके का कंडक्टर है जिसमें टेपिंग्स है अभी मैंने क्या कहा था कि फीडर में टेपिंग्स नहीं होती है कुछ पॉइंट्स आपके निकाल दिए जाते हैं उन पॉइंट्स को डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है ताकि जिसकी जो रिक्वायरमेंट है उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो वहां से वो पावर को ले सके अब डिस्ट्रीब्यूटर में क्या होता है टेपिंग्स होते हैं ठीक है ना सो so, टेपिंग की वजह से जो डिस्ट्रीब्यूशन में जो करेंट होता है थ्रू थ्रोडी लेंथ वो सेम नहीं होता है राइट क्योंकि इसमें टेपिंग्स है तो जब हम डिस्ट्रीब्यूटर को डिजाइन करते हैं तो इस टाइम पे जब हम डिजाइनिंग पैरामीटर की बात करें डिस्ट्रीब्यूटर के डिजाइनिंग पैरामीटर की बात करें तो यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है जिसके बेसिस पर हम डिस्ट्रीब्यूटर को डिजाइन करते हैं दैट इज वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इट्स लेंथ ठीक है और ये जो आपका वोल्टेज वेरिएशन है आपका जो वोल्टेज वेरिएशन है डिस्ट्रीब्यूटर में ये प्लस माइनस सिक्स परसेंट ऑफ द रेटेड वोल्टेज हो सकता है इससे ज्यादा डेविएशन

सप्लाई मिलती है तो ये हो गए आपके डिस्ट्रीब्यूटर एंड के कॉम्पोनेंट्स